गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस। कल के वीडियो में हमने पढ़ा था, ये लेक्चर आपका 20 है, मैक्रोमीडिया फ्लैश क्लास 6। कल के वीडियो में हमने पढ़ा था ओवल, उसके बाद हम लोग पढ़े थे रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल के बाद हमने पढ़ा था इसको, रेक्टेंगल में ही पढ़ा था हम लोग ने कि राउंडेड रेक्टेंगल, राउंडेड ये जो थे इसके कोण क्या थे, राउंडेड थे। और आज हम पढ़ेंगे, उसके बाद हमने पढ़ा था पॉलीस्टार, क्या पढ़ा था पॉलीस्टार। आज हम पढ़ेंगे पेंसिल टूल, क्या पढ़ेंगे पेंसिल टूल। दिस टूल यू यूज टू ड्रॉ फ्री हैंड ड्रॉइंग लाइन्स, इट हैड थ्री मोड्स दैट इज स्टेट एंड स्मूथ ऑफ विंड। ये भी कल हम लोगों ने पढ़ लिया था किस तरह से हम क्या बनाएंगे, फ्री हैंड बनाएंगे। पहले ये लाइन लिए, फिर ये लाइन लिए, फिर ये लाइन लिए, फिर ये इस तरह से कलम ने इसको भी पढ़ लिया था जिसमें थे स्टेट एंड स्मूथ हैंड इंक। आज पढ़ेंगे हम लोग पेन टूल। तो पेन टूल के अंदर दिस टूल इज यूज टू कंस्ट्रक्ट स्टेट एंड कर्व्स इन ओपन या क्लोज शेप बाय फ्लैशिंग एंकर पॉइंट्स दैट कनेक्ट टूगेदर। इससे क्या होता है कि एक बार उठाकर हम पेंसिल को क्या करते हैं, काम करना शुरू करते हैं, तो ये क्या होता है, एक कर्व लाइन बनता है, जिस तरह से आप घुमा दीजिएगा उस तरह से घूमता रहेगा, या इसको आप क्लोज भी कर सकते हैं। ये आपका पेंसिल टूल का काम है, ये जाके आपको उसको क्लोज भी कर देता है। वी कैन एडजस्ट द टाइप पॉइंट एंड द एंगल ऑफ कर्व्स, ये जितने सारे कर्व्स बनेंगे इन सभी का एक एंगल होगा। वी कैन ऑल्सो एड डिलीट एंड रीपोजिशन इन पॉइंट, इसको आप क्या कर सकते हैं, जोड़ भी सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं, इनके पॉइंट को दर्शा भी सकते हैं। फॉलो द गिवन स्टेप टू यूज पेन टूल, इस पेन टूल का यूज कैसे करेंगे, तो क्लिक, फर्स्ट स्टेप है क्लिक और पेन टूल फ्रॉम द टूल बार, सबसे पहले टूल बार में जाएंगे। सिलेक्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ पेन टूल सच एज कलर थिकनेस एंड लाइन स्टाइल योर चॉइस फ्रॉम द प्रॉपर्टीज इंस्पेक्टर, उसका सबसे नीचे क्या होता है प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर होता है, वहां से जाएंगे और वहां से आप क्या लेंगे, उसका कलर लेंगे, उसका क्या मोटाई लेंगे, उस लाइन का मोटाई क्या होगा, स्टाइल क्या होगा, ये सारी चीज हम अपनी इच्छा के अनुसार से प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर से लेंगे। उसके बाद आपका है थर्ड स्टेप, क्लिक ऑन स्टेज टू डिफाइन एंकर वन, क्लिक टू क्रिएट द नेक्स्ट एंकर पॉइंट 2, 3, 4, 5, है ना, इस तरह से आप उसका नाम भी दे सकते हैं। इसी आप माउस से क्लिक कीजिएगा, इन सभी पे आप नंबर दे सकते हैं, इन सभी का नंबर बन सकता है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इस तरह से इस पर आप उसको जैसे ही क्लिक कीजिएगा ये सारे पॉइंट बनेंगे। क्लिक टू क्रिएट द नेक्स्ट एंकर 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन, अगेन क्लिक ऑन पॉइंट 1 टू क्लोज द ड्रॉइंग, आप उसको क्या कर सकते हैं 1 से पर जाकर उसको बंद भी कर सकते हैं। When your figures is bounded from all sides from it will automatically fill with color, जैसे ही आप उस पे जाके क्लिक कीजिएगा, उस बाउंड पे जाके क्लिक कीजिएगा, ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, टोटल कलर हो जाएगा, फिल हो जाएगा, भर जाएगा। डबल क्लिक द लास्ट पॉइंट या क्लिक वन पेन टूल इज टू कम्प्लीट ऑन पेन ओपन पाथ लाइन, जैसे उस लाइन पे जाके आप क्लिक कीजिएगा, जिस पे जाके क्लिक कीजिएगा कलर का, उस सारे को क्या कर देगा, फिलअप कर देगा, कलर कर देगा। When pen tool selected and pointer move on the stage, shape of pen tool gets changed in symbol. It means none of line started, you can start drawing. जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा इस पे आपका एक पेन, जैसे पेन देखेंगे नीब वाला पेन देखेंगे उसी आकार का ये बन जाएगा, कौन बनता है नीब आकार का, इसको देखिएगा क्लिक कीजिएगा तो आप पेन अगर नीब वाला चलाए होंगे, इंक वाला पेन जिसमें होता है, तो उस पेन का ये देखिएगा नीब बनता है, उस पेन के नोक पे नीब बनता है। When you click on a stage first time, then the shape of pen tool gets changed in symbol. आप बुक में भी इसको देख सकते हैं, पेन के नोक को इसको देखिए, ये नोक है, ये सारे पेन के नोक है, नोक बोल सकते हैं इसको, हम लोग इंक वाले पेन में इसको इस्तेमाल किए होंगे। अब आपका है When you click on a stage first time, then the shape pen tool gets changed in सिंबल, इट मीन्स यू हैव स्टार्टेड ड्रॉइंग, इसका मतलब हुआ कि आप ड्रॉइंग करने का काम स्टार्ट कर दिए हैं, शुरुआत कर दिए हैं। When you click the next point, then the pen tool shape get change in symbol, आप जब दोबारा क्लिक कीजिएगा इसका मतलब हुआ कि आप उसके सिंबल को चेंज कर रहे हैं। इट मीन्स लाइन कनेक्टेड टू ईच अदर, यानी कि इसका मतलब हुआ कि एक दूसरे से आपका लाइन क्या है, कनेक्टेड है। When you drawing path, then the pen tool shape get change in symbol, it means
टास्क कंप्लीटेड यू कैन स्टार्ट विद एंकर पाथ लाइन। इसका मतलब हुआ कि आपका ये काम पूरा हो गया, अब आप दूसरे लाइन पे काम करने जा रहे हैं, शुरुआत करने जा रहे हैं। इस तरह से आप पेन टूल का यूज कर सकते हैं। पेन टूल का यूज का मतलब ही हुआ कि आप कर्व पाथ जितने लिए हैं उन सभी को कलर करने का काम, जोड़ने का काम, ये सारे काम आपका इसके अंदर आएगा, पेन टूल के अंदर आएगा, सारे पेन टूल के अंदर आएगा। यहाँ से नंबर भी आप दे सकते हैं, कलर करने का काम भी कर सकते हैं, और इनका संकेत करने का काम होता है, ये नोक टाइप करेगा। किस तरह करेगा? नोक टाइप करेगा। अब आपका है सिलेक्शन टूल। सिलेक्शन टूल का मतलब हो गया कि आप अपना एक कोई चीज लिख रहे हैं तो उस चीज को क्या करेगा, सिलेक्ट करेगा। जैसे कंप्यूटर लिख दिए तो कंप्यूटर का इसके तीन पार्ट बताया गया, सिलेक्शन टूल को तीन पार्टों में बांटा गया। द सिलेक्शन टूल इज यूज टू सिलेक्ट एन ऑब्जेक्ट ऑन द स्टेज। जो ऑब्जेक्ट आपने लिखा है उसको क्या करेगा, सबसे पहले सिलेक्ट कर लेगा। इसको क्या करेगा, सबसे पहले सिलेक्ट करेगा। जो लिखा हुआ है इसको क्या कर लेगा, सिलेक्ट करेगा। इन फ्लैश थ्री मेन सिलेक्शन टूल आर यूज, द सिलेक्शन टूल, सब सिलेक्शन टूल एंड लेसो टूल। तीन प्रकार के टूल इसके आएंगे, इसके सिलेक्शन टूल के भाग होंगे। पहला है सिलेक्शन टूल। दिस टूल इज यूज टू सिलेक्ट टेक्स्ट स्टोरेज एंड एनी ऑब्जेक्ट एंड स्टेज बाय सिंगल क्लिकिंग। एक क्लिक से क्या हो गया, सिलेक्ट हो गया, इसको क्या बोलेंगे, सिलेक्शन टूल। उसके बाद है सब सिलेक्शन टूल। दिस टूल इज यूज टू सिलेक्ट नोट ऑफ ड्रॉइंग ऑन द ऑब्जेक्ट ऑन द स्टेज। जो आपने लिखा है उसको क्या करेगा, वो कलर करेगा। और अगला है आपका लेसर टूल। दिस टूल इज यूज्ड टू सिलेक्ट फ्री हैंडलिंग ऑफ एनी एरिया ऑफ ड्राइंग या ऑब्जेक्ट ऑन द स्टेज। टू यूज लेसर टूल, जब आपको पूरे एरिया को ही कलर करना हो तो आप किस टूल का यूज कीजिएगा, लेसर टूल का। किस टूल का यूज किया, लेसर टूल का। इसका स्टेप है, फॉलो द गिवन स्टेप, क्लिक ऑन द लेसर टूल, क्लिक एंड ड्रैग द लेसर टूल अराउंड द ऑब्जेक्ट दैट यू वांट टू अंटिल यू रीच दैट पॉइंट फ्रॉम वेयर यू हैव स्टार्टेड। जब इसका आप शुरुआत करते हैं, जिसको कलर करने का काम करते हैं, तो आपका ये फिलअप करने का काम कौन करेगा, लेसर टूल करेगा। रिलीज द माउस बटन और योर ऑब्जेक्ट विल बी सिलेक्टेड। आपका वो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, सिलेक्ट हो जाएगा, और इस प्रकार से आप उसके पूरे राउंड को कलर करने का काम कर लेंगे। इस प्रकार से आपका जो है पेंसिल टूल का काम वो हो गया, पेन टूल का हो गया, पेन टूल का मतलब कट, और आपका सब सिलेक्शन टूल यानी सिलेक्शन टूल का पहले कंप्यूटर पे लिखे हुए सिलेक्ट करेगा, फिर इसको कलर करने का काम करेगा आपका सब सिलेक्शन। और लाइन लेसर टूल का मतलब हो गया कि पूरे क्षेत्र को कलर करेगा। ये हो गया आपका लेसर टूल का, ये केवल इसको सिलेक्ट करेगा। दूसरा में आपका है सब सिलेक्शन टूल। सब सिलेक्शन टूल क्या करेगा, इसको कलर करने का कल करेगा। उसका ये क्या करेगा, लेसर टूल क्या करेगा, आपका लेसर टूल पूरे एरिया को, पूरे क्षेत्र को कलर करने का काम करेगा। ये जो आपको बताया गया था वो सिलेक्शन टूल, क्या है, सिलेक्शन टूल। और ये हो गया सब सिलेक्शन टूल। और ये हो गया आपका लेसर टूल, पूरे एरिया को कलर करने का। तो इस प्रकार से आप लोगों ने अभी तक क्या क्या पढ़ा है, पिछले वीडियो से लेकर अभी तक, तो उसमें आपका है कर्व लाइन टूल, कर्व टूल, ओवल टूल, रेक्टेंगल, राउंडेड, पॉलीस्टार, पेंसिल टूल एंड सब सिलेक्शन टूल। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे कलरिंग टूल, उसमें आएगा आपका ब्रश टूल, पेंट बकेट टूल। तो ये नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। थैंक्स।